हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज विद कमलेश। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम टैली का बेसिक टू एडवांस कोर्स लेके आ रहे हैं, और अभी जो हम आपको पढ़ा रहे हैं वो बेसिक अकाउंटिंग पढ़ा रहे हैं। लाइक जो भी बेसिक में आता है, क्योंकि बिना बेसिक अकाउंटिंग के आपको टैली समझने में थोड़ी दिक्कत सी हो सकती है। तो अभी आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारी ऑल वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए वीडियो को फटाफट स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, हमारा जनरल इंटरव्यू हो गया था, लेजर पोस्टिंग भी हो गया था, ट्रायल बैलेंस भी हो गया था, ट्रेडिंग अकाउंट भी हो गया था, प्रॉफिट एंड लॉस भी हो गया था, और अब हम करने जा रहे हैं बैलेंस शीट। इन सब की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके ये सब वीडियो हमारी देख सकते हैं। तो चलिए अभी के लिए हम बैलेंस शीट के बारे में समझते हैं। देखिए, बैलेंस शीट क्या होता है। बैलेंस शीट जो हमारा होता है, देखिए, बैलेंस शीट इज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए कंपनी विच इंक्लूड्स एसेट लाइबिलिटीज इक्विटी कैपिटल टोटल डेट ईटीसी। देखिए, बैलेंस शीट होता क्या है कि जैसे अगर हम किसी कंपनी का बैलेंस शीट देखते हैं तो हमको पता चल जाता है कि उसका कंपनी का एसेट कितना है, कितना लाइबिलिटीज है, कितना उसके पास कैपिटल है, कितना डेप्थ है, कितना बकाया है, कितना संपत्ति है, कितना उसके पास पूंजी है। मतलब कंपनी की पूरी हिस्ट्री पता चल जाती है कि कंपनी किस लायक है। कहने का मतलब ये समझ लिए कि कंपनी की पूरी औकात पता चल जाती है कि हाँ, कंपनी की क्या औकात है, वो प्रॉफिट में है, लॉस में है, कितने उसके कैपिटल एसेट, क्या लाइबिलिटीज है, कितना वो बकाया है मार्केट में। तो ये सब चीज़ें कौन बताता है हमको? बैलेंस शीट बताती है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं कि बैलेंस शीट को हम लोग बनाएंगे कैसे। तो सबसे पहले तो इधर देखिए, प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट। प्रिपेयर द बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2017 फ्रॉम द बिलो गिवन पार्टिकुलर। और इसमें कुछ डिटेल्स दी गई हैं, लाइक कैपिटल 60,000, ड्राइंग 3,000, और लॉन्ग टर्म लोन 40,000, सन्डरी क्रेडिटर्स 16,000, सन्डरी डेटर्स 30,000, इन्वेस्टमेंट 20,000, बिल्स रिसेबल 5,000, बिल्स आउटस्टैंडिंग रेंट 1,500, और प्लांट एंड मशीनरी 18,000, लैंड एंड बिल्डिंग 25,000, गुडविल, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, क्लोजिंग स्टॉक, बैंक ओवरड्राफ्ट एक्सेट्रा जो भी है। तो अब हम इसकी हेल्प से क्या बनाएंगे? बैलेंस शीट बनाएंगे। और चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्या होगा। तो नीचे देखिए, इस टाइप से कुछ बैलेंस शीट का फॉर्मेट होगा। इधर हमारा जो होगा लाइबिलिटी साइड होगा और इधर हमारा एसेट साइड होगा। लाइबिलिटीज यहाँ अमाउंट एसेट और यहाँ अमाउंट होगा। ठीक है, तो अब देखिए ऊपर चलते हैं। यहाँ देखिए, सबसे पहले हमारा कैपिटल आता है। ठीक है, तो कैपिटल कहाँ है? कैपिटल होता क्या है पहले ये समझिए। कैपिटल हमारा क्या होता है? एसेट होता है। ठीक है, तो एसेट को हम किस साइड में रखेंगे? सॉरी, कैपिटल हमारा जो होता है वो लाइबिलिटी होता है, क्योंकि देखिए कैपिटल जो पूंजी होती है, ठीक है, वो हमारा लाइबिलिटी होता है, कहीं ना कहीं हमारा दायित्व होता है। ठीक है, बिजनेस में हम जब किसी कैपिटल को डालते हैं तो क्या होता है? हमारा दायित्व होता है, लाइबिलिटी होती है। ठीक है, तो कैपिटल को कहाँ डालेंगे? लाइबिलिटी साइड में डालेंगे। ठीक है, और उसमें से जो कोई भी ड्राइंग होगा उसको माइनस कर देंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर ड्राइंग हुआ है 3,000 रुपये का, तो ड्राइंग को हम माइनस कर देंगे।
ड्राइंग क्या होता है? ड्राइंग जैसे कि आपने अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से कुछ सामान या जो भी यूज के लिए निकाला है अपने पर्सनल यूज के लिए अपने बिजनेस से, तो वो हमारा ड्राइंग होता है। तो अगर हमने कोई ड्राइंग की है तो वो कैपिटल में से लेस हो जाएगा, ठीक है। प्लस नेट प्रॉफिट हमारा ऐड हो जाएगा। अब नेट प्रॉफिट कहाँ से आया? देखिए, हमने जो पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था उसने हमको ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस मिला था। उसके बाद में हमने उसको ट्रांसफ़र किया था कहाँ पे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बनाने के बाद में हमको निकल के आया था नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, ठीक है। अब उस नेट लॉस या नेट प्रॉफिट को हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे कहाँ को? बैलेंस शीट में, और कैपिटल में ऐड करेंगे। तो हमारा कोई प्रॉफिट एंड लॉस में से ट्रांसफ़र होके आया है नेट प्रॉफिट 12,000 का, जो कि हम लोग कैपिटल में ऐड कर, ठीक है। और उसके बाद में देखिए, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, जो हमारी लायबिलिटी होती है वो लॉन्ग टर्म के लिए होती है। तो ये देखिए, हमारा ऊपर एक था लॉन्ग टर्म लोन जो कि 40,000 का था, जो हमारा लायबिलिटी है। भाई, लोन लोन लिया है तो उसको चुकाना भी तो पड़ेगा। ये देखिए, लॉन्ग टर्म लोन 40,000, तो ये हमारा क्या है? लायबिलिटी है एक प्रकार की, तो हम लायबिलिटी साइड में रखेंगे। फिर करंट लायबिलिटी, जो हमारी इस समय लायबिलिटी चल रही है, सन्ड्री क्रेडिटर्स हमारे 16,000 के हैं, बिल्स पेबल हमारे 13,000 के हैं। देखिए, सन्ड्री क्रेडिटर्स हमारे 16,000 के हैं, और जो हमारा बिल्स पेबल कहाँ गया? बिल्स पेबल ये देखिए, बिल्स पेबल जो हमारा है वो 13,000 का है, ठीक है। तो बिल्स पेबल जो भी है हम उसको लाइबिलिटी साइड में रखेंगे, क्योंकि बिल्स को हमको पे करना है, ठीक है। तो ये हमारा एक प्रकार का लाइबिलिटी है। बैंक ओवरड्राफ्ट भी हमारा एक प्रकार का लाइबिलिटी है। देखिए, बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है? जब मान लिया हमारा कोई करंट अकाउंट है किसी बैंक में, तो हमको उसमें ओवरड्राफ्ट एक सर्विस होता है, उसको एक्टिवेट करवाना पड़ता है। तो हम मेरे अकाउंट में पैसे ना भी रहें तब भी हम पैसे विड्रॉल कर सकते हैं, जो कि वो हमारा ओवरड्राफ्ट में चला जाएगा, और बाद में हमें उसको डालेंगे तो वो अपने आप एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो वो भी हमारी लायबिलिटी रहेगी, भाई आपके अकाउंट में बैलेंस सही नहीं, आपने पैसा विड्रॉ कर लिया, तो बाद में तो उसको वहाँ पे करना पड़ेगा। उसके बाद में क्या है? आउटस्टैंडिंग रेंट है, जो रेंट बकाया है वो भी हमारा लायबिलिटी में आएगा। चलिए, लायबिलिटी का पोर्शन हो गया। अब एसेट में चलते हैं, फिक्स एसेट, गुडविल, ठीक है। गुडविल हमारा एक प्रकार का एसेट है, पेटेंट हमारा एसेट है, लैंड एंड बिल्डिंग हमारा एसेट है, एसेट साइड में आएगा। प्लांट एंड मशीनरी हमारा एसेट है 18,000 का। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट 20,000 का एसेट है हमारा, करंट एसेट जो होता है। क्लोजिंग स्टॉक हमारा एसेट है 15,500 का, एसेट साइड में आएगा। सन्ड्री डेटर्स हमारा एसेट है, जो देनदार हो हैं हमको देने वाले हैं वो 30,000। और बिल्स रिसीवेबल जो हमारा है वो भी हमारा एसेट है। कैश एट बैंक, जो बैंक में पैसे हैं वो भी हमारे एसेट हैं। और कैश इन हैंड जो है हमारा, ये भी एक प्रकार का एसेट है। ये जो हमने अभी आपको सब बताया, यहाँ पे सब दिए गए हैं। देखिए, जैसे कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, ये सब हमारे एसेट हैं। और क्लोजिंग स्टॉक हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, ये सब गुडविल हो गया, पेटेंट हो गया, ये सब हमारे क्या हैं? एसेट हैं। तो इनको हम किस साइड में रखेंगे? एसेट साइड में रखेंगे, ठीक है। और दोनों हमारा जो लाइबिलिटीज और एसेट है हमारा, वो दोनों बराबर होना चाहिए, दोनों बराबर आ जाना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से हम बैलेंस शीट को प्रिपेयर करते हैं। देखिए,
यहाँ पे हमारा जो इलस्ट्रेशन था वो ये है, आप इसका चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इसका जो सल्यूशन है वो ये रहा, ये इसका सल्यूशन है। आप चाहें तो इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। सिंपली आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है और वहाँ पे एक लिंक शो होगा, उस लिंक पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे वो पीडीएफ डाउनलोड होके आपके सामने आ जाएगा। चलिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।